दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर सकते हो, वो भी बिना ग्रीन स्क्रीन के और बिना किसी एप्लीकेशन के। सिर्फ दोस्तों आपको अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा सेटिंग करनी है, आप उससे एडिट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो पीछे दोस्तों, ये अपने आप बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और मैंने कोई ग्रीन स्क्रीन भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और स्वागत है आपका बियर गायन टेक्नो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन चाहिए और अच्छी लाइटिंग चाहिए। बिना दोस्तों ग्रीन स्क्रीन को भी आप इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अभी मेरा ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज़ करता दोस्तों, मैं खुद बिना ग्रीन स्क्रीन के वीडियो बनाता हूँ और उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ इजीली, और पीछे एक अच्छा सा वॉलपेपर या कोई भी फोटो चूज़ कर लेता हूँ जो मेरे वीडियो को सफिशेंट अच्छा लुक दे सके। तो दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आप जो भी बैकग्राउंड चुनेंगे, जो सबसे पहले आप जिसमें वीडियो शूट करेंगे वो बैकग्राउंड किसी भी रंग का हो कोई मैटर नहीं करता है, आपको उस बैकग्राउंड पे जो वॉल होगी आपके पीछे बैकग्राउंड पे, वो बैकग्राउंड का कलर है वो एक कलर होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई आधा लाल है, कोई पीला है, मिक्स है। मिक्सअप पे दोस्तों आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर आपका बैकग्राउंड जो वॉल रहेगा वो एकदम प्लेन होगा, एक कलर का होगा, चाहे नो मैटर करता है कि वो कौन सा कलर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप इजीली रिमूव कर सकते हो। दूसरी टिप ये है दोस्तों, जो आपका वॉल होगा उससे आपके कपड़े बिल्कुल भी मैच नहीं करने चाहिए। अगर आपका वॉल ग्रीन है तो ग्रीन कपड़े बिल्कुल भी मत पहनना, या येल्लो है तो येल्लो कपड़े बिल्कुल भी मत पहनना। जो भी आप वॉल होगा उससे डिफरेंट कलर पहनना, चाहे कोई से भी पहन सकते हो। और तीसरी बात दोस्तों, आपको जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उसमें जाके बताऊंगा कि कैसे आप रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड, वो भी फ्री में और ना ही किसी एप्लीकेशन के यूज़ से। सो दोस्तों, डेमो के लिए वीडियो देख लो। अभी मैं इसमें आपको इस जो नॉर्मल वीडियो है इस पर मैं अभी ग्रीन स्क्रीन के बिना ही बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ वीडियो का, कितने जल्दी आप इजीली तरीके से दोस्तों हटा सकते हो। मैं काइन मास्टर का यूज़ करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने काइन मास्टर के ऐप को ओपन कर लिया है। आप यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, हम 6:9 दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक बैकग्राउंड चूज़ करना है जो आपको वीडियो के पीछे चाहिए बैकग्राउंड। दोस्तों जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बैकग्राउंड, आप दोस्तों अपने हिसाब से कोई सा भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो। और उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लेयर पे जाएंगे और मीडिया पे जाना है। उसके बाद आप जो जिस वीडियो का बैकग्राउंड हटाना चाहते हो वीडियो चूज़ कर लेना, सिंपल दोस्तों आप उसको पुट कर देना इधर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन दिख जाएगा, क्रोमा की पर दोस्तों क्लिक करने पर इनेबल करोगे, आप देखोगे हमारे पीछे से बैकग्राउंड हट चुका है। और दोस्तों हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। दोस्तों देख सकते हो कि हमारा पूरा बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और ये अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका होगा। तो दोस्तों देख सकते हो, मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ, अभी अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। हम इसकी लेंथ दोस्तों, अगर फोटो की लेंथ कम हो तो आप उसे बढ़ा के वीडियो जितनी पूरी कर सकते हो। और फिर दोस्तों चला के दिखाता हूँ, देखो दोस्तों मूवमेंट करने पे भी ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, देख लो दोस्तों इजीली वर्क कर रहा है वो भी विदाउट ग्रीन स्क्रीन के। अगर दोस्तों मैं ऐसे नॉर्मल वीडियो आपको दिखाऊँ तो कैसी वीडियो थी ये, तो मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। आप इस वीडियो का बैकग्राउंड खुद देख लीजिए, इस वीडियो का बैकग्राउंड कैसा है। ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है दोस्तों, आप आउटडोर में ली गई फोटो बाहर के रूम में हमने ये वीडियो बनाई है और वहाँ से ये हमने शूट किया है और इस पर हमने बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाया है। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे आप अगर एक जैसे कपड़े पहन लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर वीडियो बनाई है एक, दोस्तों ये है वीडियो मेरी, मैंने ये से शूट कर लिया और मैंने नोटिस नहीं किया जो पीछे का बैकग्राउंड है वो मेरे जो सेट पहन रखा है उस पर है। और दोस्तों इस वजह से ये वीडियो सही बन नहीं पाई। अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे वीडियो बनी है ये वाली। दोस्तों ये देखो, ये मैंने बनाने की कोशिश की बट इस पर जो
जो पीछे का वॉल का बैकग्राउंड था वो मैं सेट पे फूल की तरह प्रिंट रखा था, और सारे फूल वो पीछे का बैकग्राउंड को कवर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे वीडियो में पहले ही बोला था कि इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, जो आप कपड़े पहनोगे वो बैकग्राउंड से बिल्कुल भी मैच नहीं करना चाहिए, वरना ये रिजल्ट आएगा मेरे को। देखो दोस्तों, इनविजिबल मैन बन चुका हूँ मैं बीच बीच में से। सो दोस्तों, आप जब ट्राई करना है तो आपका जो कपड़ा होगा या जो शर्ट पहने रहोगे या टी शर्ट, उसे बैकग्राउंड से बिल्कुल भी मैच मत होने देना। तो देखा दोस्तों, वीडियो में से बैकग्राउंड को रिमूव करना कितना सिंपल था और कितना आसान था, वो भी आपका सेटअप के लिए दोस्तों। बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग नहीं लगे, ना ग्रीन स्क्रीन खरीदना पड़ा, ना अच्छी लाइटिंग के जुगाड़ करना पड़ा। दोस्तों, आउटडोर में भी यूज़ का इजली यूज़ कर सकते हो उसके लिए, लेकिन आपको जो वॉल होगी वो एक कलर का होना चाहिए, जिससे आपका जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है वो एक कलर को फाइंड कर सके। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह के हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।